तो देखिए, फोन यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बूटिंग सिक्वेंस, तो बूटिंग सिक्वेंस का जानना मोबाइल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोन तो आप देखिए, देखिए 100 तक, ये देखिए 100 तक ये आ रहा है, ये देखिए 100 के नीचे चला गया। देखिए दोस्तों, 100 के नीचे बूटिंग चला गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 100 के नीचे बूटिंग चला गया है। ये देखिए 100 के नीचे बूटिंग चला गया, इसका मतलब हमारा फोन का जो फॉल्ट है वो बिल्कुल सही हो गया है। ये देखिए 100 के नीचे 30, 40, 50 जो आ रहा है, 20 आ रहा है, ये 100 के नीचे जो बूटिंग बता रहा है फोन बिल्कुल हमारा सही हो गया है। मैं पावर की यहाँ पर दबाता हूँ, देखिए। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम है देवकुन अग्रवाल और आप देख रहे हैं इससे डेली आपका चैनल। दोस्तों आज हम इस मोबाइल की हाफ शॉर्टिंग निकालेंगे। बेसिकली इसमें है बैटरी ड्रेन, इसमें अगर मैं डीसी कनेक्टर लगाऊं तो इसमें शॉर्टिंग नहीं बताएगा, पर जब इसको हम ऑन करते हैं तब ये शॉर्टिंग बताता है। कैसे बताता है ये हमें देखना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कैसे इस शॉर्टिंग को निकालें, इस शॉर्टिंग को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे थर्मल कैमरा। तो थर्मल कैमरा जो जो लेना चाहते हैं, जिनके मन में चल रहा है कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो ये पर्टिकुलरली वीडियो हमने थर्मल कैमरा के हिसाब से लेकर बनाया हुआ है। हम चाहें तो विदाउट थर्मल कैमरा भी इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, और बहुत ईजिली निकाला भी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाइए और बहुत सारे वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको डेली हमारी लाइव क्लासेस देखनी है तो फेसबुक में जाइए और लिखिए इसे टेलीकॉम, आपको डेली हमारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। और अगर उसके अलावा भी आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो जाइए इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे हमारा अकाउंट है मेरे नाम से देवेंद्र अग्रवाल, और वहाँ पे आप देखेंगे हमारे डेली के वीडियो अपडेट जो हम यूट्यूब पे भी नहीं डालते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनलों पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे जो आप देख रहे हैं एजे टेलीकॉम लाइव आपके YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मोबाइल में। इस मोबाइल का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। ये डेड फोन था और इसका वीडियो एक पहले मैंने बनाया था, इस पर जो डेड हुआ था शॉर्टिंग की वजह से, फुल शॉर्टिंग जिसको मैंने निकाल के दे दिया था कस्टमर को। पर कस्टमर का रिटर्न आया और उन्होंने कहा कि सर ये फोन बैटरी को ड्रेन कर रहा है, चलते चलते चार्जिंग इसकी पूरी लो हो जाती है, तो क्या रीज़न है? चलिए इसको हमने जाना और इस वीडियो के माध्यम से हम इस मोबाइल को पूरा बनाएंगे लाइव आपके सामने। और आप ऐसे ही अगर आईफोन खुद से बनाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि थर्मल कैमरा, क्योंकि यार दोस्तों बहुत महंगा है और हर कोई स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आपको बहुत सारे वेरियस वे हम आपको बताएंगे और हिडन ट्रिक हैं ये सारी चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें तो हम बताते ही नहीं हैं जो आपको क्लास में आके बताएंगे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंटरनली मैं कितना तक बता सकता हूँ, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्लास आ जाएंगे, तो कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। बट ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो एसर टेलीकॉम आज ही कॉल करो और बुक कर लो अपनी सीटें इस महीने, अगले महीने या जो भी महीने की आपको मिल रही है, और अपना अपने आप को एक अच्छा टेक्नीशियन बनाइए, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो एक मास्टर से सीखेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चलो इस मोबाइल को बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको यहाँ पर अपने डीजे सप्लाई मशीन पर दिखाता हूँ, क्योंकि बैटरी को ड्रेन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस फोन को हम सबसे पहले ऑन करेंगे, तो मैं आपको अपनी डीसी की मशीन की रीडिंग आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डीसी, और यहाँ हमने इसको 4.10 वोल्टेज सेट किया हुआ है, ये हमारा 5 एम्पियर पर है। अब हम इसको ऑन करेंगे, दोस्तों एक मोबाइल रिपेयरिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं, अच्छी या बुरी, अब ये डिपेंड करता है कि वो जगह आपको बताएगा कि आप अच्छी सीख सकते हैं या बुरी, पर इतना एक एक्सपीरियंस जरूर मिल जाता है। बुरी जगह पे एक एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छी जगह पे आदमी तो सीख ही जाता है। तो अब आप देख सकते हैं इस फ़ोन को मैं ऑन करूँगा, तो मैं इसका कनेक्टर लगा देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप सीखते हैं तो देखिए, फोन यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोन यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन है, मतलब अभी बूट लोगो पर है, और यहाँ पे आप रीडिंग देखिए। तो ये बूटिंग सिक्वेंस, तो बूटिंग सिक्वेंस का जानना मोबाइल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब तक पता नहीं होगा कि आपका बूटिंग सिक्वेंस क्या है, कि कब आपका लोगो पर आता है, कितनी रीडिंग पे आपका, कितना एम्पियर लेने के बाद आपका फ़ोन ऑन होता है, तो उससे हमें डेड फोन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। तो जैसे कि हमने बोला कि देखिए, अब ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है, और सामने आप देख रहे होंगे, तो मैं सामने आपको दिखा देता हूँ। तो सामने जो रीडिंग दिखाई दे रही है अभी भी आपको यहाँ पर 200-300 रीडिंग चल रही है, तो मैं तब तक थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक ये
एक स्टैंड बाय मोड पे नहीं आ जाता, तो थोड़ा नोटिस कीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये स्टैंड बाय मोड पे जब तक नहीं आ जाता, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये स्टैंड बाय मोड पे चला गया। अब मैं यहाँ पर रीडिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। तो रीडिंग इसकी स्विच होकर तकरीबन चली जानी चाहिए 100 के अंदर, पर ये आप देख सकते हैं कि रीडिंग ये आपको 150, 200, 300, ये जो रीडिंग आपको दिखा रहा है ये एक एसएस एम्पियर है, और यही एम्पियर है, इसका यही कारण है कि बैटरी ड्रेन कर रहा है। फोन ऑन ही है, बस स्टैंड बाय मोड पे था, स्लीप मोड से हटकर वापस ऑन मोड पे चला गया है। तो हमें ये जानना है कि ये हमारा फोन में क्या फॉल्ट है, तो ये जानने के लिए दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको मैं बनाने के बहुत सारे वे हैं। मैं इसको विदाउट हैंडल भी बना सकता हूँ, मैं इसको सिर्फ रोजिंग के मैटर से भी बना सकता हूँ, मैं इसको और भी कई मेथड हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं। बट क्योंकि ये वीडियो थर्मल कैमरा का है, और अभी मार्केट में अभी हमारे समीर जी ने भी एक थर्मल कैमरे पर एक वीडियो डाला था, बहुत से लोगों ने देखा था, तो चलो हमने सोचा कि प्रैक्टिकली वीडियो उस पर और बना देते हैं, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो और जानकारी हो कि थर्मल कैमरा अगर लेना है तो क्या वाकई में सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हालांकि बहुत अच्छा एक वीडियो था समीर जी का, तो हम यही कहेंगे कि थर्मल कैमरा अगर आपका बजट है तो आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि काम करने में आसानी जाएगी। तो देखिए थर्मल कैमरे से किस तरह से हम इसका फॉल्ट निकाल पाते हैं और नहीं निकाल पाते, तो ये भी देखिए, निकाल पाते हैं ये भी देखिए। इस मोबाइल फ़ोन में बेसिकली ये जो एरिया है, ये एरिया हीट हो रहा था, तो हम इस एरिया को तो नहीं देख सकते क्योंकि आईसी है, तो हम इस आईसी को निकालेंगे और इसमें एक नई आईसी डालेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए अब हम फोन को अपना ऑन करेंगे। तो हमारा फोन ऑन हो चुका है दोस्तों। जो हमारा फॉल्ट था वो पावर आईसी से था और हमने यहाँ पे पावर आईसी चेंज किए। मैं आपको इसकी पावर आईसी भी दिखाऊंगा जो हमने चेंज किए। और आप देखेंगे कि पहले और अबके में जो एम्पियर में है थोड़ा सा आपको फर्क मिला होगा। देखिए फोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और अब आप देखेंगे एम्पियर में, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए अब हमारा फोन जो परसेंटेज बता रहा है वो 81% बता रहा है यहाँ पर, और जो इससे पहले बता रहा था हमारा जो परसेंटेज है वो 18% बता रहा था। तो जो इसका फॉल्ट था वो हमारा पावर आईसी से था, हालांकि ये इतना बड़ा कोई फॉल्ट नहीं था। ये देखिए अब आप अगर आप बूटिंग देखेंगे तो आप देखिए 100 तक, ये देखिए 100 तक ये आ रहा है। ये देखिए 100 के नीचे चला गया। देखिए दोस्तों 100 के नीचे बूटिंग चला गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए 100 के नीचे बूटिंग चला गया है। ये देखिए 100 के नीचे बूटिंग चला गया, इसका मतलब हमारा फोन का जो फॉल्ट है वो बिल्कुल सही हो गया है। ये देखिए 100 के नीचे 30, 40, 50 जो आ रहा है, 20 आ रहा है, ये 100 के नीचे जो बूटिंग बता रहा है फोन बिल्कुल हमारा सही हो गया है। मैं पावर की यहाँ पर दबाता हूँ, देखिए तो ये हमारा फोन का जो फॉल्ट है बिल्कुल सही हो गया है। कैसा लगा ये वीडियो आपको देखकर? और आई होप कि आपने देखा होगा किस तरह से लाइव प्रैक्टिकल हमने आईफोन 7 की पावर आईसी पे काम किया। हालांकि पहले से ऑलरेडी उस आईसी पे काम हो गया था, हमने इस आईसी को चेंज किया था। मैं आपको इस आईसी को भी दिखाता हूँ जो मैंने चेंज की हुई है, आप स्क्रीन पे देखिए मेरे। ये देखिए ये आईसी है, ये आप देख सकते हैं, ये फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। और ये आईसी है जिसको हमने चेंज किया है, पावर आईसी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो से आपको सीखने को मिले। और जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में ज्ञान बहुत सारा है, हर कोई आपको बता रहा है कि ये भी सिखा देंगे वो भी सिखा देंगे, पर हमको या उनको कितना आता है ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप फिर वहां जाके सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते। आप हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सारे चीजें आपके लिए डली रहती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो यार जितना ज्यादा आप फेमस हो गए, ये हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ को थोड़ा टटोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी आपको लगता है कि अपने जीवन में कोई सक्सेस काम किया है, मैं सारे इंस्टीट्यूट वालों से ही कहूँगा कि अगर आपको सारे इंस्टीट्यूट वाले कहीं ना कहीं फेमस है आज की डेट में आपने, और आप सारे इंस्टीट्यूट वाले को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है यार देखो हर कोई तीसरा एक दूसरे को उंगली उठाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सबको एक कम्युनिटी बना के साथ में चलना चाहिए और ताकि लॉन्ग टाइम भविष्य में वो काम कर सकें। और मैं यही चाहता हूँ, और किसी 2, 3, 4 लोगों की बातें सुनकर अगर आप अपने पूरा एंगल, जो 2000 लोग, जो इतने सारे वीडियो, इतना सब कुछ प्रैक्टिकल देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें बंद हो रही हैं, तो सोचो कि आप कितने ज्यादा गहरे गड्ढे में हो, और आप सोचो कि आप कितने अंधे हो चुके हो पूरी तरीके से कि 2-4 लोगों की बात है। क्योंकि अगर कोई चीज खराब होती तो एक नहीं, दो नहीं, 10 या 1000 कम से कम, या पूरी बैच या कम से कम 100 या 200 के करीब ये देखने को मिलता कि इतने सारे स्टूडेंट अगर कुछ करते। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1-2 लोग कह रहे हैं तो समझो कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जब यहाँ से आके कुछ स्टूडेंट ना टूल खरीदते, क्योंकि हर एक को ये इंटरेस्ट लेवल का काम नहीं होता, हर कोई किसी तीसरे के दबाव में भी आके पढ़ने लगता है।
तो कहीं ना कहीं वो चीज उनके दिमाग में, शैतानी दिमाग, तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खराब करती हैं, उनका टाइम भी खराब करती हैं, और फिर उनका तो समय खराब होता ही है, और फिर उनको एक तरह से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं पूरे इस इंडस्ट्री में। और आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं, और वो बिल्कुल निगेटिव रहते हैं। तो दोस्तों अपनी समझ और अपनी सोच से चलिए, एज़र टेलीकॉम का चुनाव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ना है। एक बार मैं बोला, एक बार सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस हमसे लेकर देखिए, और अपनी जिंदगी को देखिए कि किस तरीके से हम आपको चेंज करेंगे। और ये बात हम कह के नहीं करेंगे, ये बात हम करके करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने का। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कॉलेज।